हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ, बहुत ही आसानी से बनने वाला। तो ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अगर नया नया बुनाई करना सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये पैटर्न हमारा बनेगा दो सिलाइयों में, लेकिन इसको हम फोर सिलाई बनाएंगे, क्योंकि फोर सिलाई दो दो सिलाइयों पे हमारा पैटर्न चेंज होता रहेगा। तो जो मैं फोर सिलाइयाँ आपको बताने जा रही हूँ, ये फोर सिलाइयाँ आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना ये बॉर्डर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पैटर्न हम यहाँ से फर्स्ट और राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से चार सिलाइयाँ पूरा देख लीजिएगा। और इसमें फंदे लेने के लिए आपको इस पैटर्न में थ्री मल्टीपल के फंदे लेने हैं, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री। इस तरह से सारे फंदे हम डालेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए। और इसमें दो फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे, एक हमारा स्टिच रहेगा और एक हमारा ऐसे ही पैटर्न को सेट करने के लिए। तो दो दो फंदे हम दोनों साइडों में एक्स्ट्रा फंदे रखेंगे। तो यहाँ पे फंदे इस हिसाब से हम फंदे डालेंगे। अब ये बॉर्डर बनाने के बाद अब हम फर्स्ट और राइट साइड से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ऑल दबाइएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा ए स्टिच को स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम ऐसे इस तरह से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। देखिए एक फंदा हमने सीधा बना लिया। अब यहाँ पे जो तीन फंदे हैं, तीन फंदों में हम ये तीसरा वाला फंदा, थर्ड फंदा, इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे हम पास करेंगे। पास करने के बाद फिर यहाँ पे दो फंदे बचे हैं ना, तो इसमें फिर से हमें तीन फंदे करने हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी साइड। अब यहाँ पे जाली बनाते हुए अगला फंदा जब ऐसे हम सीधा बनाएंगे, तो ये हमारा ना तीन फंदे से तीन फंदा ही बना। ये ध्यान से देखिएगा ना, तीन फंदों से तीन फंदा ही बना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही रिपीट करना है। तीन फंदों में जो थर्ड वाला तीसरा फंदा है ना, इस फंदे को हम ऐसे, इस फंदे को ऐसे यहाँ से उठाएंगे और ऐसे इसके ऊपर से इस तरह से पास कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे और धागा अपनी साइड लाएंगे। अब अगला फंदा भी इसी तरह से ऐसे सीधा बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर यही वही रिपीट करेंगे, यहाँ पे तीसरा वाला फंदा ऐसे ड्रॉप करेंगे दोनों फंदों के ऊपर। अब फिर यहाँ में, यहाँ पर हमें वही रिपीट करना है, दो फंदे सीधा बनाएंगे, एक बीच में हम जाली बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो हमारा कम हुआ था फंदा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा फंदा ऐसे करेंगे, दो फंदों के ऊपर से ऐसे हम ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे दो फंदों को सीधा बनाएंगे, एक बीच में जाली बनाएंगे ऐसे, दो फंदा सीधा। फिर यहाँ पे वही रिपीट करेंगे, यही फर्स्ट रो में हमें राइट साइड से बार बार ऐसे ही रिपीट करना है। तीन फंदों को ऐसे, जो थर्ड वाला फंदा है ना, दो फंदों के ऊपर पास करेंगे और फिर से वही हम तीन फंदा बना लेंगे, बीच में जाली बनाएंगे ऐसे, दो फंदा सीधा। फिर से वही करेंगे, तीसरा वाला फंदा दो फंदों के ऊपर ऐसे ड्रॉप करेंगे और ये फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे और ये अगला फंदा भी ऐसे सीधा बना लेंगे। तो ये बीच में छोटी सी हमारी जाली बन जाएगी। फिर यहाँ वही रिपीट करेंगे, ऐसे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे ना दो फंदों को सीधा बनाएंगे, बीच में जाली बनाएंगे ऐसे, दो फंदा सीधा। फिर यहाँ पे वही रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, ये फंदा ऐसे ड्रॉप करेंगे दो फंदों के ऊपर और ये दो फंदे ऐसे जाली बनाते हुए हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा स्टिच को ऐसे सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए पैटर्न हमारा बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज जैकेट, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर में। तो यहाँ पे बस रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई में हम जब बुनेंगे सेकेंड रो ना, तो ये सारे ऐसे ही हम उल्टा उल्टा पर्ल वाइज बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा सारे फंदों को बस एक जैसे। रॉन्ग साइड से हम हर सिलाई में ऐसे ही बनाएंगे सेकेंड रो, उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस यही
अगली सिलाइयों में भी यही पैटर्न ये ऐसे ही रिपीट करेंगे, बस पैटर्न हमारा यहाँ पे अगले रो में चेंज हो जाएगा। जब हम थर्ड रो बनाएंगे अगला पैटर्न, तो वहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, लाइक ज़रूर करें। ऐसे सारे फंदे हमने उल्टा बुनकर सेकेंड रो में कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न हमारा इस तरह बनकर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम अगला पैटर्न बनाएंगे तो एक फंदा स्लिप करेंगे स्टिच को। पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदा सीधा स्टिच कर लेंगे। अब ये जो एक दो फंदा इस पैटर्न से लेंगे, एक फंदा इस वाले पैटर्न से, अब तीसरा फंदा ऐसे हम ये वाला उठाएंगे और इन दोनों के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ पे दो फंदों से वही रिपीट करेंगे, तीन फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड लाएंगे, सीधा बनाते हुए ऐसे तीन फंदा बना लेंगे। ये देख रहे हैं ना, ऐसे ही बस यही रिपीट करते जाना है। तीन फंदों में ऐसे ऐसे पास करेंगे और एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड जाली बनाते हुए सीधा बनाएंगे। फिर तीन फंदों को ऐसे करेंगे, दोनों फंदों के ऊपर ऐसे ड्रॉप करेंगे और दो फंदों को ऐसे जाली बनाते हुए सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर इन तीनों में से थर्ड वाला फंदा ऐसे पास करेंगे और ऐसे तीन फंदा हम फिर से सीधा बना लेंगे इस तरह। फिर वही रिपीट करेंगे, ऐसे धागा अपनी साइड लाएंगे, ये ऐसे तीन फंदों को तीन फंदा ही बनाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से ये तीन फंदे ऐसे करेंगे, पास करेंगे तीसरा वाला और एक फंदा सीधा बनाते हुए जाली बनाएंगे, सीधा बुनेंगे, तीन फंदा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे वही रिपीट करेंगे ऐसे, फिर दो फंदों को ऐसे धागा अपनी साइड लाएंगे, सीधा बनाएंगे। देखिए, फिर लास्ट में क्या करेंगे, दो फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे और स्टिच को ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा दूसरा पैटर्न भी इस तरह से बनकर आ गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही छोटा छोटा पैटर्न है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब हम रॉन्ग साइड से जब बुनेंगे फोर रो चौथी सिलाई, तो एक फंदा स्लिप करके सारे फंदे ऐसे ही पर्ल वाइज बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये हमने चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनकर आएगा। अब जब हम अगला पैटर्न बनाएंगे तो फिर से वही मैं आपको रिपीट करके एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे स्टिच को और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इससे पहले मैंने दो फंदा बनाया था, सीधा स्टिच किया था, अब एक फंदा करेंगे। अब तीनों फंदों में से जो थर्ड वाला फंदा है ना, इसे दो फंदों के ऊपर ड्रॉप करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना लेंगे जाली बनाते हुए। अगला फंदा भी ऐसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए, फिर से वही रिपीट करेंगे, थर्ड वाला फंदा ऐसे ड्रॉप करेंगे और दो फंदों को ऐसे जाली बनाते हुए सीधा बना लेंगे। फिर से तीन फंदा हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे यही रिपीट करेंगे, ऐसे डालेंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। तीन फंदों का हमारा तीन फंदा फिर से बनेगा। यहाँ पे जो हमारा कम हुआ है फंदा ना, वो यहाँ पर हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, जाली बनाते हुए सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए, पैटर्न हमारा ऐसे ही बार बार रिपीट होता जाएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर आएगा। तो इसको मैंने एक और कलर में बना लिया है, ये आप देख सकते हैं लाइट पिंक में है, बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है। ये देखिए, बहुत ही छोटा छोटा पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत, आसानी से बनने वाला। तो इस पैटर्न को फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजीली आसानी से बनने वाला है। अगर आप जेंट्स स्वेटर में अप्लाई करना चाहते हैं, बच्चों के स्वेटर में, तो इसे बना सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। एक और वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।